हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं समीर, आपका दोस्त और होस्ट, और आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाया हूं, एक न्यू बिजनेस लेके। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए ताकि आपको और जानकारी मिले इस वीडियो के बारे में, न्यू बिज़नेस के बारे में। और अगर आप कोई ऐसा न्यू बिज़नेस करना चाहते हो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं और आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए और या तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए न्यू वीडियो बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, बिना टाइम वेस्ट करें हम उसमें आगे बढ़ते हैं, वो है गारमेंट रिलेटेड बिज़नेस आइडिया। तो हम एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गारमेंट के बिजनेसमैन जो काफ़ी समय से इसमें बिजनेस कर रहे हैं और उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तो वो हमसे शेयर करेंगे कि उनके हिसाब से क्या चीज़ें सही है, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अगर गलतियां की होगी बिजनेस में तो उस किस तरीके से हम उससे बचे और आगे बढ़े। तो आइए फ्रेंड्स, मिलते हैं पंकज जी से। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर, आप हम लोगों के दर्शकों को ये बताइए कि अगर वो गारमेंट्स का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, स्पेशली जब भी वो ब्लैंक है, उनके पास कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं पता है उनको, ठीक है, तो वो किस तरीके से गारमेंट के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, मतलब? हाँ बताइए आप। देखिए, अभी यही लेटेस्ट जो बिजनेस है गारमेंट में, कॉटन में, वो है बैग्स का, कॉटन बैग्स। कॉटन बैग्स जो जो थैली की जगह, प्लास्टिक की थैली की जगह जो इस्तेमाल हो रही है वो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों, गवर्नमेंट पूरे इंडिया में प्लास्टिक पर बंदी लगाने वाली है। ओके। तो आज अब जो कॉटन में जो बैग्स का बिजनेस है वो सबसे बड़ा बिजनेस है आज, क्योंकि अगर हमारे लाइफ से प्लास्टिक निकल जाएगा तो कैरी करने के लिए हमारे पास या तो पेपर है या तो कपड़ा है। तो कपड़े में कॉटन के अंदर, बैग के अंदर काफ़ी स्कोप है। तो अगर आप कोई भी कॉटन का गारमेंट, मतलब कॉटन का कुछ इस बनाना चाहते हैं, तो आज बैग्स के ऊपर जरूर ध्यान दें। वेरी गुड। क्योंकि आज इंडिया में जब बैंड हो जाएगा प्लास्टिक, तो कॉटन ही सबसे आगे जाएगा, क्योंकि ड्यूरेबल है, उसमें स्ट्रेंथ है, जबकि पेपर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी कॉटन बैग्स में है। सही। तो आप बैग्स में ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो एक अच्छा बिजनेस है और मेरे हिसाब से एक नवा भी है इसमें, बहुत सारे लोग मार्केट में बैठे हुए नहीं है, मार्केट में बैठे हुए भी नहीं है, और इससे रिलेटेड जैसे सिलाई करना, प्रिंट करना, वो भी बिजनेस आप कर रहे हो, तो आपको कॉटन बैग्स बनाने वाले दे सकते हैं, जैसे कि स्टिचिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, वो सब भी बिजनेस आपको मिल सकता है। अगर आप कोई स्टिचिंग कर रहे हो या आपका मशीन है, या मैं कहीं ऐसे लोगों को भी बोल रहा हूँ जो घर पे फ्री है, जो 10-15 लेडीज मिलकर मशीन डालकर बिजनेस कर सकती है, काफ़ी अच्छा बिजनेस उन्हें मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तो एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया इन्होंने हमें बताया है कॉटन बैग से रिलेटेड। तो सर, आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया में कॉटन बैग्स का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ता कॉटन कहाँ मिलेगा? सबसे कॉटन सस्ता जो है वो यूपी एमपी साइड से आता है, लेकिन वहाँ पर आपको इतना कॉटन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ बेल में माने 1,000-2,000-5,000 मीटर मिलता है। यहाँ आप मंगलास मार्केट में जाएंगे, मुंबई में मंगलास मार्केट में जाएंगे, तो वहाँ आपको कॉटन के काफ़ी कपड़े मिल जाएंगे, क्योंकि वो रिलेटेड कपड़े की ही मार्केट है। अच्छा। और बैग्स के लिए जो आप कपड़ा ढूंढ रहे हो, वो मंगलास मार्केट में आपको बाहर रोड पे ही 4-5 शॉप है, वहाँ पर से मिल जाएगा आपको। ओके। वैसे क्या मीटर होगा कॉटन, आपको आइडिया? देखिए, कॉटन आपको बैग्स अगर बनानी है, थोड़े भी स्ट्रेंथ चाहिए, तो 15-16 रुपये मीटर से स्टार्ट होगा। अरे तो बहुत अच्छा है। और एक मीटर में आप कम से कम एक या दो बैग तो बना ही पाएंगे। अगर दो बैग भी बनाते हैं तो एक बैग कितने तक के बिक जाएगा? देखिए, अगर आप दो एक कपड़ा 15-16 रुपये वाला ले रहे हैं, तो आपको एक बैग अराउंड 10-12 रुपये में गिर जाएगी। अच्छा। और अगर आप प्रिंट करवाते तो 2 रुपये तक और ऊपर हो गया। अच्छा। तो 13-14 रुपये में आपको एक अच्छी बैग मिल जाएगी। हाँ। जो आपको एक साल तक तो चलेगी। हाँ, सही बोले। अगर आगे आपको चाहिए तो आप उसके ऊपर प्रिंट भी करवा सकते हैं, अपना नाम, अपना शॉप का नाम, या वॉट एवर जो आपको प्रिंट करना है। एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं अभी रिसेंटली एक स्टेशनरी शॉप पे गया था, जो रिटेल शॉप है, तो वहाँ पर मैंने कॉटन बैग का इंक्वायरी किया था, तो उसने मुझे एक फालतू सा, एकदम फालतू कलर का बैग 30 रुपये का बोला था। तो मेरे हिसाब से उसको होलसेल में 22-23 रुपये में मिला होगा, और जो मुझे 30 में बेच रहा है, मतलब जैसे सर ने बताया, 12-13 रुपये में आपकी बैग बन जाती है, और आप वो 7-8 रुपये का तो मार्जिन रख के बेच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर रिटेलर हैं तो आपको वहाँ रेडी बैग्स भी मिल जाएगी बनी हुई।
अच्छा, अगर आपको 100, 250, 100, 200 पीस चाहिए तो भी वहाँ आपको रेडी मिल जाएंगे, बने हुए आए हुए अलग अलग रेट में, अलग अलग स्ट्रेंथ के। अच्छा, मीन्स 12 रुपये से लेके आपको 60 रुपये, 65 रुपये तक बैग मिल सकते हैं। मैंने जितनी आपको ज़्यादा चाहिए उतना आपको मिल जाएगा स्ट्रेंथ और लेंथ। ओके, ये तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, हमें एक न्यू आइडिया बताइए बैग्स के बिज़नेस के बारे में। तो आप इसे ज़रूर इस पर गौर फिक्र कीजिए। अगर आपको कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप एक बैग का बिज़नेस, कॉटन बैग्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको गुमास्ता लाइसेंस, GST नंबर, कंपनी आधार, ये सब रजिस्ट्रेशंस लगेंगे। अगर आप ये करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।